हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काफी टीवाई स्टूडेंट के एग्जाम हो चुके हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट है या जो आइडियल स्टूडेंट है। तो दोस्तों वैसे स्टूडेंट को एमकॉम पार्ट वन, एमए पार्ट वन में एडमिशन चाहिए था, जिसका डेट अभी तक चालू नहीं हुआ था, एडमिशन स्टार्टेड नहीं हुआ था। लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी का एक सर्कुलर आ चुका है दोस्तों, जिसमें एडमिशन चालू हो चुका है। दोस्तों अब क्या है क्या नहीं, ये मैं पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। लेकिन डिटेल बताने के पहले दोस्तों, जितने भी नए दोस्त मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों इधर मैं आप लोगों को दिखा देता कि मुंबई यूनिवर्सिटी का ये सर्कुलर है। पहले कि एमकॉम या एमए के स्टूडेंट जो है उनका एडमिशन चालू हो चुका है 9 नवंबर से लेके 18 नवंबर के बीच में आप अपना एडमिशन करवा सकते हो। दोस्तों अगर आप FYBA, FYBCOM, FYBACIT के स्टूडेंट है तो दोस्तों आप भी, मतलब जिन्होंने 12 का एग्जाम दे दिया है और वो FY में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका एडमिशन डेट भी 9 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक का आप एडमिशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो SYBCOM मतलब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, साथ ही साथ MCOM पार्ट टू के स्टूडेंट है, इनका एडमिशन चालू ही था, इनके डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, 18 नवंबर तक आप भी एडमिशन करवा सकते हैं। और जो MScIT है, अभी MA, MSc Max, ये स्टूडेंट के लिए अभी तक कुछ आया नहीं है, जल्द से जल्द आएगा। जैसे ही आएगा तो मेरे इस चैनल पे आपको जरूर मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।